एम डीसी मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज विद स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट ऐसा आईसीएआई ने अपने uh, जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है मैं डिस्कस करने वाला हूं आज मेरे दो सब्जेक्ट के बारे में विच इज एफ एम एंड एस सी पी एम रिलेटेड सो सी पेपर पैटर्न जो एक्सपेक्टेड है पेपर सिक्स का इज गोइंग टू बी ऑफ ट्वेंटी फाइव मार्क्स इच नाउ बट ऑब्वियस है कि सब सब्जेक्ट uh, में से आएगा तो आप भाई पूरा जो अभी मीम्स चालू है कि बोरा भर के तो नहीं लेके जा पाओगे बुक्स सो यू शुड बी क्लियर विद अ लॉट ऑफ थिंग्स ओनली देन यू विल बी एबल टू अप्लाई ठीक है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप लेके चले जाओगे बट उतना टाइम के आप बुक अलग अलग बुक्स ओपन करो एंड देन यू नो कॉपी एंड देन राइट फ्रॉम दैट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट सो तैयारी अपने को अपने लेवल पे करके रखनी पड़ेगी मेरा मानना है इफ आई वॉज द पेपर सेटर तो मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से स्मार्टली यूटिलाइज करता दो क्वेश्चन में बनाता अज्यूमिंग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसके पास क्लाइंट आएगा यूजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास क्लाइंट आता है तो दो चीज के लिए आता है एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का मेजर अंडरस्टैंडिंग के लिए बिकॉज ओनली वी आर द पीपल स्पेशलाइज इन टैक्सेशन डीटीआईडी टी का फोकस रख के दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है जहां पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया कर एंटर डायरेक्टली इन टू कॉर्पोरेट्स इंक्लूडिंग मी जैसे मैंने भी डायरेक्टली सी ए वन के जेपी मॉगन में आ, अपना कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट किया और फिर मैंने एंटरप्रिनशिप में अपने आप को देखा सो so, सी ये पेपर के थ्रू एक सी एफ ओ लेवल का जो थॉट प्रोसेस है वो इंस्टीट्यूट आपने डेवलप करवा सकता है इंस्टीट्यूट वो क्वेश्चन uh, आ सकता है सी बिकमिंग अ सी एफ ओ कैन बी मेड हेल्प ऑफ ऑल द नॉलेज दैट चार्ट अकाउंटेंट प्रोसेस सीईओ बनना है लाइफ में अगर तो उसके लिए

बट मेजर जो फोकस पेपर सिक्स में है वो डी टी आई डी टी पे वो बहुत एविडेंट है एंड होना भी चाहिए बिकॉज वो ग्रुप टू का ही पार्ट है तो उसी के फ्लो में बाय डिफॉल्ट पब्लिक ग्रुप टू के लिए डीटीआईडीटी टी DT पढ़ने वाला है उसी के फ्लो में उतना वो पढ़ लेगा बट सबसे बड़ा मेजर टेंशन है सर उसमें ए एफ एम या एस सी एम पी एस सी पी एम का कॉन्टेक्स्ट आता है देन वॉट डू वी डू देखो अगर आपका दोनों ग्रुप है तो आपके पास टाइम बहुत कम है देन इन दैट केस आई विल सजेस्ट मेरा रिवीजन लेक्चर्स का प्लेलिस्ट है मैं नीचे लिंक दे रहा हूं वो देख लो क्विक फायर में मतलब अप्रोक्सीमेटली थर्टी फोर्टी आवर्स में एटलीस्ट एक आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या पे क्या चीजें हैं दूसरा ऑप्शन है कि बुक्स जो मेरी ऑलमोस्ट बन गई है वो मैं बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूं You can take that. So in case आपका काफी लोगों ने जिन्होंने ले लिया है वो तो अभी कंपटीशन मोड पे है तो अब तो वो लेके जिसका जिस जो खाली पेपर सिक्स के लिए ले रहा है विल नॉट बी रियली sensible. एक चीज मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं वो है

समझ जाओगे सर ये वीडियो कब तक आएगी विल टेक सम टाइम बिकॉज अभी फिलहाल मेरे ए एफ के रिविजन लेक्चर्स चल रहे हैं और थोड़ी कुछ और चीजों में ऑक्यूपाइड हूँ बट एज सुन एज आई गेट टाइम फॉर श्योर मैं के स्टडीज sure इसके रिलेटेड बनाऊंगा बाकी आपकी तरफ से कुछ और रिक्वायरमेंट है तो यार कमेंट कर दो पता चलेगा मुझे एंड स्टे सब्सक्राइब एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन वाई बिकॉज कोई भी मेरी तरफ से अपडेट आया एस का ए का यू शुड नो अबाउट दैट एसपीओएम स्टूडेंट और, और लोगों का टेंशन है कि सर हम का का में, में खत्म होगा उसके उसके बाद हमारे को आ, देना है हमारा तो SPOM, जिनका, आ, SCMP का बनता है हमारा जिनका बनता तो उसके लिए मैं बॉक्स पे डाल रहा हूं टेलीग्राम लिंक पे भी मैं मेरा गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ वहां पे आपको काली ये books, तो आप खाली ये भरना है लुकिंग फॉर बुक्स लेक्चर्स एंड एवरीथिंग भर दो सो दैट वी हैव द डेटा

एस वाले केस स्टडीज है वो तो मैं करवाने ही वाला हूँ फॉर श्योर है वो तो सर उसमें कनेक्टेड है से डीटीआईडीटी के प्रोफेसर का तो वो भी आप साथ में लोगे क्या सी देखो आई नो थिंग्स आर कनेक्टेड बट मैंने जो अभी केस स्टडीज देखी है उसमें बहुत ज्यादा मुझे रोल नहीं लग रहा है किसी और सब्जेक्ट uh, का या प्रोफेसर का सो आई कैन इंडिपेंडेंटली मैनेज एस सी वाला पार्ट है वो मैं आपको बता दूंगा और आराम से आपको कनेक्ट हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि एस SCM... मतलब कैसा है क्वेश्चन ऐसे जो एक क्वेश्चन है जो इंडिपेंडेंटली एस का एक क्वेश्चन है जो इंडिपेंडेंटली डी का इंडिपेंडेंटली आईडी का तो अपने को जो इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन अपने एरिया का है वो मैं आप लोग को यहाँ पे करवा दूंगा सो दिस इज अबाउट द थिंग दैट आई विल बी डूइंग फ्रॉम माय एंड रिवीजन लेक्चर प्लेलिस्ट है कभी किसी को अगर से देखना है कोई चीज कनेक्ट करने के लिए जैसे फाइव

तो अच्छा रहेगा तो मैं कुछ कंसाइज लेवल पे क्या आपके लिए बेटर दे सकू उसका तैयारी बैक एंड पे कर रहा हूं आपके कोई व्यूज हो तो डू लेट मी नो स्पेसिफिकली इन इन द द कमेंट्स फिल गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन पे है या फिर uh, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल दूंगा सो so, वो भी भर लेना सो देट एक आइडिया रहे बाकी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एस का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जितना अभी तक आया है बहुत ज्यादा उसका कोई एग्जॉस्टिव सच कवरेज है नहीं एंड मैनेजेबल है और जितना है वो मैं तुम लोगों को एटलीस्ट अभी फिलहाल के लिए या एग्जाम तक के लिए तो मैं उतना रेडी कर दूंगा मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स के थ्रू इज व्हाट आई फील ठीक है चलो सो टाइम फॉर वीडियो से आस्ता लविस्ता टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड बाकी जो भी चीजें हैं मैं अपडेट देते रहूंगा एंड आई लेट यू नो बाय थैंक यू